नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। 10 मिनट में 25 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम आज पहुंचेगी मुंबई। समीर पर आर्यन खान ड्रग्स मामले में 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का है आरोप। वहीं क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को एनसीबी ने आर्यन को जमानत देने का किया था विरोध। गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में बुधवार को एनआईए के विशेष जज बलविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत सुनाएगी फैसला। 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान व पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार किया था बम विस्फोट। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विचित्र और गुरविंदर सिंह की गिरफ्तारी को मिलाकर अब तक हो चुकी है 15 लोगों की गिरफ्तारी। इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शेखर, लवकुश, आशीष पांडे, सुमित जायसवाल मोदी, सत्यम त्रिपाठी, नंदन सिंह और शिशुपाल आदि हैं शामिल। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 4 नए MLC आज CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार सुबह 10:30 बजे होगा। शपथ ग्रहण करने वालों में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान के नाम है शामिल। शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के टंडन हॉल में होगा। वहीं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर बनाने का दिया मौका। 1 नवंबर से शुरू होने वाला अभियान उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में चलाया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर बनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अप्लाई कर सकेंगे। वहीं आर्यन को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट में आज फिर रहेगी जारी सुनवाई। और आर्यन की ओर से पैरवी करते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत एनसीबी के पास नहीं है, उसके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई और बिना ठोस साक्ष्य के उसे इस तरह 20 दिनों से जेल में रखना ठीक नहीं। वहीं पाकिस्तान ने मंगलवार रात शारजा के मैदान में T20 विश्व कप 2021 का अपना दूसरा मुकाबला भी जीता। पहले मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम ने इस बार न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी मात। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में साल 2019 में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जवानों को दी श्रद्धांजलि। और गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों का समर्पण और सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के सबूल विनाश को और दृढ़ करता है। बता दें कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान पर आयोजित आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए। वहीं नितिन गडकरी ने ज्ञान आधारित ऐप किया जारी और इस दौरान कहा कि ज्ञान से ही दुनिया में बदलाव आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने किया सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन और कहा कि अब गरीब के बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों और शहरों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, समय से बीमारियों का पता चलेगा तो इलाज में आसानी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर 12 केंद्रीय अस्पतालों में योजना तैयार की जा रही है। 24 घंटे चलने वाली इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक लैब हैं और इनको भी सशक्त बनाया जाएगा। वहीं विदेशों में कहर बरपाने के बाद भारत में हुई कोरोना वायरस के नए वेरिएंट KY.4.2 की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि विशेषज्ञों का एक सरकारी पैनल कोरोना वायरस के सब वेरिएंट AY.4.2 पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना के इस वेरिएंट के कारण यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की 3 सदस्य पीठ ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल बरबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की तरफ से पेश हुए अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। वहीं संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2 सदस्यों को दिलाई राज्यसभा की सदस्यता। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण बनाने वाले कार्यकर्ताओं के जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियां अब प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक नमो ऐप पर उपलब्ध होंगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग डिब्रूगढ़ मार्ग पर सीधी उड़ान को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि सरकार अंतिम छोर तक हेलीकॉप्टर संख्या बढ़ाने पर दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। नतीजन UP देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है।
इतना ही नहीं, सोमवार को जारी हुए ग्राफ के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन से कवर कर लिया गया है। वहीं भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अब देश भर में 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवधि के लिए प्रत्येक विभाग को अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रमों को लेकर एक योजना तैयार करनी होगी, जहाँ इस योजना के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा। इतना ही नहीं, सभी विभागों को भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लोगों का भी प्रयोग करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। पीएमओ ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बेनुई के सुल्तान के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके पूर्व पीएम मोदी 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं ब्रिटेन और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच पहली द्विपक्षीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोणन शक्ति 2021 का समुद्री चरण अब सागर में कोकण तट से शुरू हुआ। नौसेना के एक अधिकारी के अनुसार सभी भाग लेने वाले यूनिट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसका मकसद पूर्व निर्धारित स्थल पर सेना के जमीनी सैनिकों को उतारने के लिए समुद्री नियंत्रण हासिल करना था। वहीं बांग्लादेश में पूजा पंडाल में हमले के बाद देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इसमें एक तरफ कट्टरपंथियों की बड़ी जमात है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार है। हसीना सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दे रही है। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की चर्चा के बाद वहां की सरकार अब एक नए कानून को लाने की तैयारी है। वहीं इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। सुकर्णो सुकमावती सुकर्णो पुत्री सेंटर बाली में आयोजित सुधी वड़ानी समारोह में सुकमावती ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कई वीडियो में वो धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करती हुई नजर आई। वहीं पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा कि पेगासस केस की जांच होगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए निजता के उल्लंघन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का भी जिक्र किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हिंदबाद न्यूज के साथ।